भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले दुश्मनों की अब खैर नहीं। शनिवार को भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। नौसेना के बेड़े में खतरनाक पनडुब्बी शामिल हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पनडुब्बी खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई है। पनडुब्बी खंडेरी के नौसेना में शामिल होते ही नौसेना को साइलेंट किलर की ताकत मिल गई है। पनडुब्बी खंडेरी तट पर खड़े रहकर 300 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के जहाज को मार गिराने में सक्षम है। ये सीमा की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही यहाँ 40 से 45 दिनों तक पानी में रह सकती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। खास बात तो यह है कि पनडुब्बी खंडेरी पूरी तरह स्वदेशी है। समुद्र की गहराई में 2 साल के परीक्षण के बाद खंडेरी को नौसेना को सौंपा गया है। INS खंडेरी नौसेना को सौंपते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब 26/11 जैसी साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान पर करारा हमला बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि INS खंडेरी के बेड़े में शामिल होने के बाद नौसेना की क्षमता बढ़ गई है। अब भारत पाकिस्तान को पहले से बड़ा झटका देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि खंडेरी नाम स्वॉर्ड टूथ फिश से प्रेरित है, जो समुद्र तल के करीब पहुंचकर शिकार करने के लिए जानी जाने वाली एक घातक मछली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।